तो लगातार कैश कांड को लेकर देखिए किस तरह से बीजेपी हमलावर रही है, और ऐसे में अब कांग्रेस के सांसद जिनके घर से ये कुबेर का खजाना निकला, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है और इस पूरे मामले से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो 9 दिन के बाद ये सफाई साहू की नजर आई, पाई पाई जो है वो सही है, कांग्रेस से लेन देन नहीं है, कांग्रेस का भी इससे लेना देना नहीं है। तो 351 करोड़ का जो पूरा खजाना है उस पर चुप्पी तोड़ी धीरज साहू ने, और जो सफाई दी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कैश कांड पर कांग्रेस सांसद की सफाई, शराब बिक्री का है पूरा पैसा और सबका हिसाब किताब मेरे पास है, ये पैसा जो पकड़ा गया वो मेरी फर्म का पैसा है, साहू ने कहा। बिल्कुल साफ तौर पर, और देखिए लगातार 351 करोड़ बड़ी रकम, और पैसे गिनने की मशीन आपको बता दे कि खराब हो गई थी जब ये पैसे निकलते गए, लेकिन अब लगातार सांसद की सफाई आई है। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। तो आईटी की छापेमारी में जिन सांसद धीरज साहू के घर में करोड़ों रुपए मिले हैं वो अब पहली बार मीडिया के सामने सफाई देते नजर आ रहे हैं। सुना आपने साफ तौर पर, और देखिए धीरज साहू ने कहा है कि सारा पैसा उनका है, उनके परिवार का है, करोड़ों कैश की अलमारियों में रखने वाले कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने यह भी कहा कि छापेमारी में जो कैश है उसकी सारी डिटेल मेरे पास है और ये सारा पैसा मेरा है, इससे कांग्रेस पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किस तरह से कैश कांड पर खुद सांसद ने अब सफाई दे दी है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, देखिए समय बीतता गया, पैसे निकलते गए और अब जाके कांग्रेस सांसद ने सफाई दी है, कांग्रेस पार्टी का भी बचाव किया है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते जो है साहू सामने आए हैं और अपनी सफाई दी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी घेर रही थी कि आखिर जो है धीरज साहू किसकी मशीन है, एटीएम मशीन है और किसका कैश है। इसको लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी बीजेपी निशाना साध रही थी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा भी था कि वो इस कैश मामले में सांसद से जो है जवाब चाहेंगे, जवाब मांगेंगे। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर दबाव पड़ रहा था, आरोपों के घेरे में पार्टी थी, लिहाजा अब साहू सामने आए हैं और इस मसले पर सफाई दी है। उनका कहना है कि ना उनका इसमें कोई लेना देना है, ना ही उनकी पार्टी का कोई लेना देना है, यानी जो पूरा कैश मिला है उससे उन्होंने अपने आप को और अपनी पार्टी को अलग थलग दिखाने की कोशिश की है। हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि इस जो उनका परिवार है, जो बिजनेस चलाता है, वो ये पैसा है और आयकर को सारे सवालों का जवाब उनका परिवार देगा। तो ये सफाई है उनकी तरफ से, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर दबाव पड़ रहा था, इस पर राजनीति हो रही थी, कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा था, लिहाजा अब सफाई दी गई है धीरज साहू की तरफ से। बिल्कुल, तो जिस तरीके से पूरी सफाई सामने आई है और ये जो पूरा मनी ट्रेल सामने आया है उसमें कई बड़ी बातें तो सामने आई, लेकिन जिस तरीके से पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के सामने आकर जिन बातों को खोल कर रखा है यहाँ पर इस पूरे कैश कांड पर, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी है ब्रह्म प्रकाश, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैकफुट पर कांग्रेस थी, बीजेपी हमलावर थी, राजनीति भी बहुत ज्यादा हुई, ऐसे में ये खुलासे कितने निर्णायक साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी तादाद में कैश मिलना अपने आप में कई कानूनों नियमों की धज्जियां उड़ाना है। आयकर की चोरी, इसमें सीधे सीधे आयकर के अधिकारियों ने जिस तरह से बताया, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने, कि आयकर की चोरी तो इसमें है ही बड़े पैमाने पर, और जितने बड़े पैमाने पर कैश मिला है इसको लेकर ना तो धीरज साहू की मुश्किलें कम होने वाली हैं, ना ही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लंबे वक्त से वो सांसद रहे हैं, कांग्रेस के एक नेता हैं, झारखंड से आते हैं, लिहाजा इस मामले में पार्टी पर सवाल उठते ही रहेंगे। हालांकि अब जांच के बाद क्या तस्वीर सामने आती है, क्या इनकम टैक्स और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनकी सफाई से संतुष्ट होती हैं या फिर इसमें और कोई एंगल आता है, क्योंकि देखिए लगातार दर्जनों मशीनें गिनती रही हैं कैश जितनी बड़ी तादाद में मिला, कई राज्यों में मिला है, तो ये अपने आप में एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला था। बिल्कुल ब्रह्म, और लगातार जांच आगे बढ़ रही है, हम आप तक फिर एक बार फिर से लौटेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो 9 दिन के बाद धीरज साहू ने कैश लोक पर अपनी चुप्पी को आखिरकार तोड़ ही दिया है। बिल्कुल, और अपनी सफाई में साहू ने कहा है कि 351 करोड़ रुपए के कैश कांड से उन्होंने पूरी तरह किनारा कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस सांसद ने जितना बताया है कहीं उससे ज्यादा तो छिपाया नहीं है। वो सारा पैसा मेरा नहीं है, यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। वो हमारे परिवार वाले इनकम टैक्स के बीच का मामला है, वो परिवार वाले इसका सफाई देंगे या फिर अपना जो भी चीज दिखाना वो इनकम टैक्स के सामने ही देंगे। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इसका इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहे हैं वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी, इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। इनकम टैक्स ने छापा मारा है, उसकी सारे हिसाब किताब में हम लोगों को। इनकम टैक्स की छापेमारी के 9 दिन बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने 351 करोड़ रुपए के कैश कांड पर सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन साहू अपने सियासी करियर का हवाला देकर इस कैश लोक से पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका दावा है कि सारे पैसे शराब के नकदी कारोबार की वजह से घर में रखे हुए थे। यह पैसा हम लोग का जैसे महुआ खरीदता है उसी से शराब बनता है, उसका भी कुछ पेमेंट देना होना था। अभी जैसे पॉलिसी मैटर में कुछ पैसा रेवेन्यू दिया जाता है, उसके लिए भी कुछ पैसा वहां पर रखा गया था। झारखंड के रांची और लोहरदगा से लेकर ओडिशा के बालंगीर तक धीरज साहू से जुड़े अलग अलग कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी के बाद कैश का अंबार मिला था। साहू इन पैसों को कैश में हुई शराब की कमाई बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि साहू जितना बता रहे हैं क्या सच उतना ही है, क्योंकि छापेमारी के दौरान दिखा तो बस 351 करोड़ है, जबकि शराब का इनका ये पुश्तैनी धंधा पिछले 100 साल से चलता आ रहा है। धीरज का दावा है कि उनके पारिवारिक कारोबार में पूरी पारदर्शिता है। हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। धीरज अपनी कंपनियों की जानकारी दे तो रहे हैं, लेकिन कैश के इस पहाड़ की पूरी जिम्मेदारी परिवार के दूसरे सदस्यों पर डाल रहे हैं। वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहा है वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी, इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफेद धन है वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। हिसाब देखिए हम बिजनेस आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं, जाहिर है धीरज के साथ साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, और जब पैसों के ढेर जब्त होने लगे थे तब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने गांधी परिवार को ही घेरा था। सोनिया गांधी जी जो ईडी आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही है, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही है, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, ये तो शुरुआत है। दरअसल गांधी परिवार पर आंच आता देखकर भी धीरज साहू को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है। साहू का दावा है कि इस कैश का कांग्रेस या किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यह कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। शराब के जरिए अकुत संपत्ति इकट्ठा करने वाले कारोबारियों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि धीरज साहू ने 2018 के चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति करीब 34 करोड़ रुपए दिखाई थी, लेकिन 6 दिसंबर को जब इनकम टैक्स ने छापे मारने शुरू किए तो अगले 8 दिनों में 351 करोड़ रुपए जब्त हो गए। धीरज साहू ने जवाब दे दिया है
लेकिन इस कमाई के कई राज और राजदारों के ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.